हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा, आपका स्वागत है आशा की गार्डनिंग में, मेरी खुशियों की बगिया में। खुशियों की बगिया फ्रेंड, ये देखिए आज मेरी एक कद्दू की हार्वेस्टिंग। ये देखिए फ्रेंड, कितना बड़ा ये मेरा कद्दू हो गया है, और आज मुझे इसकी हार्वेस्टिंग इसलिए करनी पड़ी, थोड़ा सा ये हो ही गया तैयार। लगभग देखिए आप, 1.5 किलो से 1.5 किलो 2 किलो के आसपास का ये कद्दू है मेरा, और जो है इसलिए मुझे आज इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ी। अब इस पर जो है और भी छोटे छोटे लग रहे हैं, तो ताकि ये बड़े हो जाएं, और भी फूल और भी फ्लावर हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक और कद्दू, कद्दूओं की भरमार है मेरी छत पे इस समय। और बाकी ये छोटे भी लग रहे थे, लेकिन वही है, जब तक आप बड़ा फ्रूट जो है हार्वेस्ट नहीं करोगे, तब तक आपके छोटे फ्रूट डेवलप नहीं होंगे। तो बस अब मैं इसको हार्वेस्ट करने ही वाली हूँ। बाकी ये देखिए कितने सारे फीमेल फ्लावर्स हैं, और साथ में मेल फ्लावर्स भी। ये देखिए कितना सुंदर जो है ये नज़ारा है। भौरा देखिए कहाँ अंदर घुस गया है। तो ये तो मेरे कद्दूओं की फ्रूटिंग है फ्रेंड्स। और भी मेरे बहुत सारे कद्दू लग रहे हैं, लगभग मेरे पास 4-5 बेलें हैं, और हर बेल पर जो है मेरे 1-1, 2-2 कद्दू हैं। तो ज़रूर डेफिनेटली उनकी हार्वेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी। आइए अभी देखते हैं। ये देखिए, पहले तो आप मेरी करेली की भरमार देखिए। ये देखिए, देखते जाइए। एक माला की तरह लटक रहे हैं, और बहुत सुंदर ये नज़ारा है। बहुत सुकून देता है फ्रेंड, जब आपकी मेहनत के फल आपको दिख रहे होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से कुछ मेरी करेले लटकते हुए, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरे करेलों का। ये देखिए, ये मेरी लौकी, लौकियाँ भी लटकते हुए। लौकियों की भी मेरे पास फ्रेंड 3-4 बेलें हैं। ये देखिए, कुछ तो जो है सड़ जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। तो जो बढ़ जाते हैं, उनको अगर आप जानना चाहते हो कैसे बढ़ते हैं, तो मेरे चैनल पे ज़रूर जाइए। मैंने कौन कौन से जो है लिक्विड मैन्योर आपको बता रखे हैं, वही सब मैं इनमें डालती हूँ। 2G 3G कटिंग जो है इनमें इस्तेमाल करती हूँ, और उससे जो है मुझे इतनी अच्छी फ्रूटिंग प्राप्त होती है। आप देखिए हर ब्रांच पे जो है फल लगा हुआ है, और जो सड़ जाते हैं उसके लिए भी मैं डेफ़िनेटली एक अच्छा सा वीडियो आपको बना के दूँगी कि क्यों सड़ जाते हैं हमारे फल। तो बने रहें फ्रेंड्स, चाहे वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास हर चीज़ की जो है 4-4, 5-5 बेलें हैं, और सब पे जो है फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए एक और कद्दू। तो जब जब मैं इनकी हार्वेस्टिंग करूँगी, ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये देखिए इस पे 2 हैं, एक ये है और एक ये है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, इस बार बहुत सारे कद्दू मेरी टेरेस पे हो रहे हैं। तो जो है आज बैंगन के भी साथ में थोड़ा सा हार्वेस्टिंग कर ली जाए। बीन्स तो फ्रेंड डेली के हैं, डेली के मेरे बहुत बीन्स निकल रहे हैं, तो बीन्स खा खा के मन भर चुका है। बैंगन देखिए, कितने बैंगन निकल गए हैं। ये मेरी हार्वेस्टिंग फ्रेंड, ये देखिए, ये मेरे 2 शिमला मिर्च, ये मेरी बीन्स देखिए, बीन्स कितनी ज़्यादा बीन्स हो रही है ना। और ये बैंगन, बैंगन भी लगभग डेली के अब निकलने लगे हैं। शिमला मिर्च भी डेली की निकलती है, बहुत सारे लगे हुए थे,
लेकिन अभी जो ज़्यादा थोड़ा सा ये बड़ी हो रही थी तो फिर मुझे मैंने यही हार्वेस्ट किया। अभी कल हार्वेस्ट करूँगी फ्रेंड। और साथ में ये चौलाई जो है भरपूर मात्रा में इसमें आयरन वगैरह होता है, और लाल चौलाई में तो स्पेशली, साथ में कुछ पालक के पत्ते, और बहुत टेस्टी इनकी सब्ज़ी होती है मिक्स अगर बनाओ। और साथ में थोड़े से कद्दू के पत्ते भी हैं बीच में, देखिए तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है इसकी। और बाकी ये देखिए, वाह, बड़े फ्रूट्स जब कंटेनर गार्डनिंग में आपको मिलते हैं फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उसकी तो कोई कीमत ही नहीं होती, उस खुशी की प्राइसलेस होती है। तो ये है आज की मेरी सारी हार्वेस्टिंग। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।